प्रिय आत्मन चाणक्य तिवारी के सत्संग में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस कम्युनिटी पोस्ट में एक अंग्रेजी में वाक्य लिखा गया था और एक तस्वीर थी, जिसका भावार्थ कुछ इस प्रकार था कि अगर यह धरती वास्तव में गोल है और 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रही है, रोटेट कर रही है, तो अगर हम एक हेलीकॉप्टर को हवा में छोड़ दें, हेलीकॉप्टर अपने उससे हवा में उड़ता रहे, तो उस हिसाब से तो क्योंकि उस धरती 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, तो जिस डायरेक्शन में उसे जाना है उस डायरेक्शन में तो अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हवा उसको ऊपर रख दें, हेलीकॉप्टर को हवा में होवर करता रहे हेलीकॉप्टर, उस आधार पे तो उस पॉइंट को मैं समझाना चाहूँगा। उनमें से आप में से कई लोगों ने उस पे रिप्लाई दिया कि भाई खाली धरती ही नहीं घूमती है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी उस सेम उसी रफ्तार से घूमता है, ऊपर से इनर्शिया भी होता है, जिस इनर्शिया के कारण उसमें इनिशियल स्पीड मिल जाती है। तो इसी पॉइंट को आज मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो जैसा कि मान के चलिए कि ये एक धरती है हमारी, जो कि आप लोग मान रहे हैं कि भैया गोल है ये धरती, और ये हमारा है हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये इस तरीके से 1000 माइल पर आवर की रफ्तार से ये धरती घूम रही है, रोटेट कर रही है। मेरा कहना ये था कि भैया मान के चलिए कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो हम इस हेलीकॉप्टर को उड़ा के क्यों ले जाते हैं इससे यहाँ पे, जब धरती घूम ही रही है तो ऊपर, मतलब इस पॉइंट के ये ऊपर ही उड़ता रहेगा, मतलब एक ही जगह अपनी ऊपर उड़ता रहेगा एक ही जगह पे हेलीकॉप्टर। और जब ये हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे उड़ता रहेगा तो ये धरती तो घूम ही रही है, तो ये वाला पॉइंट अपने आप ही इधर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी तो अपने आप इधर आ जाएगा। और जब पॉइंट बी इधर आ जाएगा तो हम तो अपने आप यहीं पहुँच जाएंगे बिना उड़े, अगर वास्तव में ऐसा है तो। तो इस पे लोगों ने रिप्लाई दिया कि भाई साहब होता क्या है कि इनर्शिया होता है और उसका एटमॉस्फेयर होता है जो कि सेम रफ्तार से घूम रहा होता है, यानी कि उनके कहने का अर्थ यह है कि ये धरती है, अर्थ हमारी, और इसके चारों ओर एटमॉस्फेयर है, तो वो एटमॉस्फेयर भी सेम इसी रफ्तार से इधर घूम रहा है। इसके संबंध में मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न मेरा ये है कि एक चीज़ जो समझ में नहीं आई मेरे, वो ये है कि भैया मान लिया कि धरती इधर 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूम रही है, ठीक। आप कह रहे हो कि भैया एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, तो असल में एटमॉस्फेयर है क्या? मतलब आप इस चीज़ को इस तरीके समझें कि एटमॉस्फेयर तो भैया हवा है ना, ये तो एक कुछ एयर एयर है, एटमॉस्फेयर इज एयर, कहीं डेंसिटी अधिक है कहीं डेंसिटी कम है, लेकिन है तो ये एयर ही है, तो ये हवा ही, और जब ये हवा है कुछ गैसेस का मिक्सचर है ये, तो आप इसे इस प्रकार समझिए कि गैसेस इतनी सूक्ष्म होती हैं, गैसेस इतनी सूक्ष्म चीज़ है कि आप बोल रहे हो कि उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स को भी ग्रेविटी, तो भैया 1000 माइल प्रति आवर की रफ्तार से रोटेट करा रही है उस पूरे एटमॉस्फेयर को, यानी कि उन गैसेस के मॉलिक्यूल से मिलकर तो बनी हुई है, उतनी सूक्ष्म चीज़ जो है उसको भी इस रफ्तार से ये ग्रेविटी जो है घुमा रही है। और तो अगर ऐसा है, मतलब इतनी भारी चीज़ से लेके इतनी सूक्ष्म चीज़ भी ग्रेविटी के कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे बात आप ये बताएं फिर, एक छोटा सा जो अगर ऐसा है, इतने छोटे से मॉलिक्यूल जो होते हैं एयर के, जो गैस के इतने छोटे से मॉलिक्यूल्स पे भी ग्रेविटी अपना असर डालती है अगर, तो फिर जो इनके बीच की जो चीज़ हुई ना, कि मान के चलो कि भैया एक कोई कीड़ा है या तो कोई बटरफ्लाई है, तो वो बटरफ्लाई तो भैया अपनी रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में कैसे उड़ जाती है, फिर उस पर ग्रेविटी फोर्स क्यों नहीं डालती है? मतलब इन दोनों के बीच का एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये तो सबसे सूक्ष्म चीज़ हो गई, इस पर भी ग्रेविटी असर डाल ली, और इतने भारी से ऑब्जेक्ट पर डाल ही रही है और ये घूम रहा है, तो इन दोनों के जो बीच की आइटम को मान के चलो छोटा सा कीड़ा है या तो बटरफ्लाई है, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कैसे कर जाता है, उस पर ग्रेविटी असर क्यों नहीं डालती है अगर ऐसा है तो? तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो एटमोसफेयर पर कोई भी असर नहीं डाल रही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आप बोल रहे हो इनर्शिया, अब इनर्शिया आप ये कह रहे हो कि भैया ये है, मान के चलो कि धरती 1000 माइल्स पर आवर की रफ्तार से इधर घूम रही है, आप बोल रहे हो कि
जिस पॉइंट पे ये हेलीकॉप्टर आपका, अब जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर हवा में गया, तो जिस पॉइंट पे ये डिटैच होगा सरफेस से, अर्थ के सरफेस से डिटैच होगा हेलीकॉप्टर आपका, तो जो हेलीकॉप्टर है उसकी इस डायरेक्शन में स्पीड होगी 1000 माइल पर आवर, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो डिटैच होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लिया चलो इधर 1000 माइल पर आवर से डिटैच है, अब मान के चलो कि यहाँ मैं 3 घंटे हवा में लटका रहता हूँ, हेलीकॉप्टर मेरा 3 घंटे तक हवा में लटका रहता है, तो क्या आप, जाहिर सी बात आप ये बताइए मुझे, जब ये 3 घंटे तक हवा में लटका रहेगा और आप बोल रहे हो कि भैया एटमोसफियर इधर जा रहा है, ठीक है, वो तो मैंने आपको अभी सिद्ध कर ही दिया कि एटमोसफियर इधर किसी रफ्तार से जा ही नहीं रहा, क्योंकि एटमोसफियर एक बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, ठीक, फिर भी कंसीडर कर लो कि भैया जा रहा है, ठीक है, मान लिया कि भैया एटमोसफियर इधर जो है तुम्हारा 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। अब आप इस सिनेरियो को देखो, इस सिनेरियो में ये होगा कि भैया अब ये हवा में आ गए 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से, इनिशियल स्पीड इसकी, इनिशियल स्पीड है इसकी 1000 माइल प्रति आवर, ठीक, क्योंकि इससे सरफेस से डिटैच हुआ था, और इसकी जो अर्थ हमारी उसकी कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन इसकी जो इनिशियल स्पीड है, एक बार मतलब उसे घुमा के हमने मतलब इस रफ्तार में छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जैसे हमने इसे इस रफ्तार में छोड़ दिया, तो आप इस बात को समझिए कि कितनी मूर्खता की बात है ये सोचना, मतलब अखंड मूर्खता की बात है सोचना कि मान के चलिए कि जाहिर सी बात है कि जिस मान के चलिए सरफेस ये पॉइंट ए है, तो ये तो भैया घूम के चला जाना चाहिए इधर आगे, जो कुछ होता ही नहीं है। देखो ना, आप हेलीकॉप्टर में बैठे रहोगे तो आप बोल रहे हो कि मतलब भैया हम भी ऐसे जाएंगे, हम भी इसमें इस प्रकार से घूमते रहेंगे, आप बोल रहे हो ऊपर भी चले जाएंगे तो हम भी उसके कारण, उसके फोर्स के कारण, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है इस हेलीकॉप्टर पे इतना फोर्स लगा देगा कि भैया वो संग 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 घूमता रहेगा, तभी तो आपको नीचे का पॉइंट दिख रहा है, यही अर्थ हुआ ना भाई। आप हेलीकॉप्टर में आप ऊपर उड़े तो आपको जाहिर सी बात है कि जिस पॉइंट से आप उड़े हो वो आपको डायरेक्टली नीचे अपने दिखता है, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इतने भारी हेलीकॉप्टर को इतनी फोर्स लगा रहा है, इतनी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में कि ये 1000 माइल के प्रति की कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर सकता है। आर यू किडिंग मी? नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो एटमॉस्फेयर है वो हेलीकॉप्टर पे इतना ही फोर्स लगा रहा है कि ये इतनी जो गति है 1000 माइल पर आवर की जो गति है उसको मेंटेन कर सकता है, तभी तो वो भैया ये और ये सेम गति से चलेंगे, तभी तो ये पॉइंट इसके डायरेक्टली नीचे दिखेगा हमेशा, जो कि आप सभी जानते हैं कि संभव है ही नहीं। एक हवा कैसे इतने भारी हेलीकॉप्टर पे इतना फोर्स लगा सकती है? हवा तो मतलब क्या मूर्खता की बात है भाई। तो आई होप आई एम क्लियर, मतलब इसमें कोई सार है ही नहीं, तो आपको बढ़िया तरीके से मूर्ख बनाया गया है, और मूर्ख बनते रहिए, मैंने तो आपको बता दिया, मेरा तो जागरण हो गया कि अगर धरती घूम रही है और हेलीकॉप्टर ऊपर है तो इस हिसाब से तो अपना भी पहुंच जाना चाहिए, बहुत जो होते ही नहीं है। तो ये तो मैंने खाली एक पॉइंट पर डिस्कस करा, बाकी आने वाले समय में दूसरे पॉइंट पर भी मैं डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।